हाय फ्रेंड्स, सबको नमस्कार। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, सपोर्ट मी। ये रीजनरेटिंग ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में काफ़ी आदमी पूछ रहा था, सर इसका कैसे मतलब चार्जिंग होता है करके। मैं इसके लिए एक छोटा सा वीडियो आप लोग शेयर करना चाह रहा हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, सपोर्ट मी। अब देखा होगा अभी 73% बैटरी था, मैं ढलान से नीचे आ रहा हूँ। जैसे ही थोड़ी दूर 100 मीटर्स आया हो तो 72 में आ गया बैटरी। 100 किलोमीटर्स उसमें दिखा रहा था, टोटल राइड में जा सकता है। यहाँ पर विशाखापट्टनम का एक बालाजी टेम्पल है, पहाड़ी के ऊपर है ये। मुश्किल से 0.5 किलोमीटर का ये ढलान है। मैं इसमें पूरा रीजन यूज़ करूँगा, देखते हैं कितना परसेंटेज नीचे आने तक चार्ज हो जाता है। मैं डबल्स के साथ में हूँ और रीजन यूज़ करते हुए मैं थोड़ा राइड भी करके दिखाऊंगा आपको, डबल्स में ज़्यादा माइलेज आना चाहिए थे कैसे ड्राइव करना करके, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये फोर्स रीजन यूज़ करने से ब्रेक से भी ज़्यादा काम हो जाए, मतलब टाइट हो जाता है व्हील। देख सकते हैं 2%, 300 मीटर में ही मेरा 1% बैटरी चार्ज हो गया है। ये विशाखापट्टनम ऋषिकोंडा में ये मंदिर है, नया ही बनाया था, काफ़ी सुंदर है। कोई विशाखापट्टनम विजिट करने से ये मंदिर पक्का बालाजी मंदिर का एक विजिट कर सकते हैं आप। काफ़ी खूबसूरत तो पहाड़ी के ऊपर, छोटा सा पहाड़ी के ऊपर बनाया। टाइमिंग से सुबह 8 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक। यहाँ पर काफ़ी अच्छा स्पीड पकड़ा है, लेकिन जैसे फुल रीजन पूरा रीजन देने से गाड़ी स्लो हो जाता है। ये रीजन सिस्टम ब्रेक से भी तगड़ा काम करता है। यदि बैटरी परसेंटेज आपका 90% के नीचे होना चाहिए, 90% अबोव में आप रीजन को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, ये पक्का ध्यान रखना। थ्रॉटल को आगे घुमाना है, ऑलमोस्ट 1% अचीवमेंट किया, शायद हो सकता है 1.5% होगा, लेकिन 0.5% नहीं दिखाता है। मैं लगभग 0.5 किलोमीटर आया हूँ, बैटरी परसेंटेज 73 हो गया है, 73% है जो अभी भी मैं राइड कर सकता हूँ। मतलब 101 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का जो हमारा जो बैटरी परसेंटेज है बड़ा है। यहाँ पर हल्का ढलान भी है, प्लेन रूट है, धीरे से जाके मैं आपको दिखाऊंगा। डबल्स के साथ वेट है तो 170 किलोमीटर कितना मतलब रेंज अचीवमेंट कर सकते हैं, एक स्मॉल टेस्ट है। लेकिन इस तरह चलाने में थोड़ा परेशानी होता है, स्कूटर लिया तो हम कॉन्स्टेंट 20-30 स्पीड में तो कोई चलाएगा नहीं। फिर भी मैं एक आपको अच्छा रेंज मतलब रेंज मिलने के लिए जो चलाने का जो प्रोसीजर है वो भी बताऊँगा। ये नीचे से पहाड़ी का देखते हुए इस तरह लग रहा है, मेरा लड़का वीडियो शूट कर रहा था। रोड बढ़िया है, हवा का कोई ये रुकावट भी नहीं है। मैं 27-30 स्पीड में जा रहा हूँ, आप मतलब गैस भी नहीं कर पाएगा। 2% बैटरी में लगभग 4.5 किलोमीटर राइड किया, ये आराम से कर सकते हैं। लेकिन इस तरह राइड करने में आपको रिलैक्सली चलाना हो तो जा सकता है, लेकिन वैसे नॉर्मली आप चलाएगा तो रेंज नहीं मिलने वाला। इसमें जहाँ पर भी मेरे को ब्रेक दबाना पड़ रहा था टोटल मैं रीजन यूज़ किया हूँ, इसमें रेंज काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होता है। रेंज का यही है, आप ब्रेक की जगह रीजन इस्तेमाल करते रहो, आपको काफ़ी अच्छा रेंज मिल जाएगा। उससे बैटरी का कोई नुकसान नहीं है, बल्कि वो थोड़ा चार्ज होते रहेगा। अभी थोड़ी दूर तो आ गया मैं, अभी आपको मैं दिखाऊंगा कितना परसेंटेज में कितना परसेंटेज बैटरी। देख सकते हैं मैं 73 तक नीचे आया तो 71 में 4.4 किलोमीटर राइड किया हूँ,
वो भी डबल्स का साथ में, काफ़ी अच्छा रेंज मिला। लेकिन वही है, स्पीड मेरा बहुत ही कम था, देखो 71% है। 2% बैटरी में मैं 4.6 किलोमीटर राइड किया हूँ, और डबल्स का साथ 170 kg वेट है, लेकिन स्पीड लिमिट है 30 किलोमीटर्स बिलो हो तो ये ऐसा रेंज मिलते हैं। चलिए एक छोटा सा अपडेट था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। सबको नमस्कार।